हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। आज हम आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके काफ़ी सारे बच्चे जो हैं काफ़ी कंपटीशन के एग्ज़ाम, काफ़ी RSCIT के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो कि आपके इनपुट आउटपुट टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर हमने पहला क्वेश्चन लिया है, पॉइंट लाइट पेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब लाइट पेन को हम किस डिवाइस पर यूज में लेते हैं। पहला आपका मॉनिटर, दूसरा CPU, तीसरा प्रिंटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लाइट पेन जो होता है, लाइट पेन एक प्रकार का आपका पॉइंटिंग, आपका इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम मॉनिटर पर यूज में लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका मॉनिटर पर। फिर दूसरा है, CRT के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला पिक्चर ट्यूब, तो आपका जो CRT जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की पिक्चर ट्यूब होती है, या एक वैक्यूम ट्यूब होती है, या एक ट्यूब है जो घर पर रोशन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो CRT होता है, CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होती है, जो कि आपके मॉनिटर के अंदर लगती है और इसे हम पिक्चर ट्यूब कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है बेटा, पिक्चर ट्यूब। फिर इसके बाद है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर की सूचनाओं को देखने के लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा टेलीविज़न, तीसरा स्क्रीन और चौथा है पर्दा। तो इसके अंदर इसका आंसर होगा आपका मॉनिटर। इसका आंसर क्या होगा आपका मॉनिटर। देखो, मैंने आपके काफ़ी लो लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के अंदर हम लो लेवल के डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है उसे क्या कहते हैं। पहला इंकजेट प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर, चौथा लाइन प्रिंटर। तो ध्यान रखिएगा, डॉट के जरिए हम जो प्रिंटर का प्रयोग करते हैं है ना, वो प्रिंटर आपका कौन सा होता है बेटा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ठीक है, वैसे तो आपके प्रिंटर में हम अधिकतर जो प्रिंटर वही होते हैं जो डॉट डॉट से मिलकर ही करेक्टर्स बनाते हैं, लेकिन अधिक जो अभी मेनली हम जो डॉट्स का प्रयोग करते हैं वो आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर यूज में लेते हैं। अब जो प्रिंटर छपाई करते समय अक्षर के आकार की स्याही की फुहार छोड़ता है जिससे अक्षर छपते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर्स हैं, पहला है आपका डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है लेजर, फिर आपका तीसरा है इमेज प्रिंटर और चौथा है इंकजेट प्रिंटर। बेटा, मैंने आपको आपके जो प्रिंटर्स जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि आपका जो इंकजेट प्रिंटर होता है यह एक प्रकार का कलर्ड प्रिंटर होता है और इसके अंदर हम प्रिंटिंग के वक्त एक स्याही का प्रयोग करते हैं और इसके अंदर हम प्रिंटिंग के लिए एक स्प्रे कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, अब इसके बाद अगला है, लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाले प्रिंटर को क्या कहा जाता है। लेजर किरणों की सहायता से हम जो प्रिंटिंग करते हैं तो उसके लिए हम किस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं या उसे क्या कहते हैं। तो पहला आपका डॉट मैट्रिक्स, दूसरा लेजर, तीसरा है डेजी व्हील और चौथा है इंक जेट
प्रिंटर। तो लेजर किरणों के लिए, लेजर किरणों का हम किस प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए यूज में लेते हैं बेटा? आपका इंक, आपका लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है बेटा? आपका लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर तो हम डॉट्स का प्रयोग करते हैं, लेजर प्रिंटर के अंदर हम लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है ये, इसके अंदर तो हम जो टाइपिंग मशीन होती है उसकी तरह यूज में लेते हैं। और इंकजेट प्रिंटर आपका कलर्ड प्रिंटर होता है, इसके अंदर हम स्प्रे कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर होता है? जो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर होता है? तो आपका पहला है आपका इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और सीरियल प्रिंटर। तो आपका जो लेजर प्रिंटर जो है, लेजर प्रिंटर आपका कौन सी प्रिंटर की श्रेणी में आता है? आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो अभी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।